ये बहुत बड़ा दिन है, आज गणतंत्र दिवस है जी। और ये हमारा प्रेरणा स्थल है, यहाँ पे आके हमें प्रेरणा मिलती है बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के जो हमें अधिकार मिले हैं उसमें। इस तरह का स्थल आज बना हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही खुशी का दिन है आज तो इसी वजह से। और यहाँ पे काफ़ी लोग आज पिकनिक की तरह मना रहे हैं तो हम इस वजह से आज आपका खुशी का दिन है। बहुत खुशी का दिन है जी, सारे देश के लिए खुशी का दिन है वैसे तो। सर आपका नाम? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद कुमार जी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये जो हमारी पहचान है, हमें लगता है कि हमें हमेशा इस तरह के मौके पर आना चाहिए और ये बाबा साहब की देन है। इस संविधान का आज मनाया जा रहा, 26 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश का संविधान लागू हुआ था जो कि हमारे बाबा साहब की देन है और उनका हम बड़ा आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा संविधान बना के दिया जिसके आधार पर आज हम अच्छी तरह कानून व्यवस्था के अंदर हम रह पा रहे हैं। धन्यवाद बाबूजी। आपका नाम? मेरा नाम फूल सिंह बवन है, गांव खत्रीपुर का रहने वाला हूँ। बाबूजी आप यहाँ क्यों आए हैं? देखिए आज का जो दिन है इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे देश के लिए गर्व के वो है। इससे पहले हमारा देश गुलाम था, आज के दिन पूर्ण तरीके से 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा मिला, लागू होगा, पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ। इससे बड़ा फेस्टिवल हमारे देशवासियों के लिए और कोई नहीं हो सकता। तो अगर हम इसको ना सेलिब्रेट करें तो इसकी महत्ता क्या है जी? अदरवाइज तो हम तो गुलाम ही रहते। तो आज हम अपने संविधान के मातहत चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा कानून, हमारी देश व्यवस्था सब कुछ चल रही है। और इससे बड़ा अभिजय सारे लोग आए हुए देख करके, और इसका नाम भी प्रेरणा स्थल। इससे हमें बाबा साहब की और प्रेरणा भी मिलती है कि वो क्या चीज़ थे, क्या उन्होंने किया देश के लिए, क्या किया है। तो इससे हमको प्रेरणा भी मिलती है, इसीलिए इसका नाम भी प्रेरणा स्थल रखा है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत खुशी का हुआ है और हम इसको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें वो कम है।